नमस्कार समाचार प्लस में स्वागत आपका। मैं मनीषा कौशल और आज हम बात करेंगे राजस्थान में रेप के मामलों की, जिनमें अचानक से तेजी बढ़ने लगी है। तमाम थानों में इन प्रकरणों की भरमार है। इनमें बड़ी संख्या में झूठे मामले भी सामने आते हैं। कई मामलों में पुलिस और नागरिकों के लिए ऐसे प्रकरण सिरदर्द भी बन चुके हैं, क्योंकि दुष्कर्म के मामलों में आरोपी को खुद को निर्दोष साबित करना पड़ता है, जबकि आरोप लगाने वाले की एफआईआर ही पर्याप्त मानी जाती है। ऐसे में कानून का दुरुपयोग बढ़ने लगा है, लिहाजा ऐसे में कई बड़े सुधार किए जाने की जरूरत महसूस की जाने लगी है। करेंगे चर्चा। राजस्थान में रेप के मामले में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिनमें से कई मामले ऐसे हैं जो दर्ज भी नहीं किए जाते। हालांकि ऐसे मामलों पर सरकार ने कई नियम कानून भी राज्य में लागू करवा दिए हैं, जिनमें किसी भी थाने में केस दर्ज करने से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अब रेप को कुछ लोग हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल करने लगे हैं। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे ऐसे मामलों की, जिनपे सरकार और पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है और इनसे कैसे निपटा जा सकता है। देखिए हमारी रिपोर्ट। प्रदेश में दुष्कर्म के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। इनमें बड़ी संख्या में झूठे मामले भी सामने आ रहे हैं, जिसमें ब्लैकमेलिंग, पैसों की डिमांड करना या आपसी रंजिश के चलते बलात्कार का झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है। दुष्कर्म के मामले में आरोपी को खुद को निर्दोष साबित करना पड़ता है, जबकि आरोप लगाने वाले की एफआईआर ही काफी होती है। ऐसे में कानून का दुरुपयोग बढ़ने लगा है। दहेज प्रताड़ना के मामले में तो सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई है और आदेश दिया है कि बिना जांच किए सीधे गिरफ्तारी ना की जाए। रेप के मामलों की बात करें तो साल 2017 के अप्रैल महीने तक बलात्कार के 960 मुकदमे दर्ज किए गए थे, जो अप्रैल 2018 में बढ़कर 1312 हो गए और अप्रैल 2019 में 1509 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। 2017 से 2019 तक इसमें 57.19% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। ये हालात तब हैं जब प्रदेश के डीजीपी खुद मान चुके हैं कि रेप के मामलों में 3 में से 2 में मुकदमा दर्ज होता है, लेकिन सरकार की ओर से जहां एफआईआर प्रक्रिया को आसान बनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इसके दुरुपयोग के भी खतरे बढ़ गए हैं। आंकड़े सभी पेश किए गए। आंकड़ों में, जैसा कि आप जानते हैं, आंकड़ों में काफी इस बार बढ़ोतरी हुई और मुझे इस बात पर फख्र है कि राजस्थान संभवतः इस देश का पहला प्रदेश है जहां निर्बाध पंजीकरण के पर इतना जोर दिया जा रहा है कि उसके लिए पहले दिन से कहा जा रहा है कि पंजीकरण सभी अब मुकदमों का हो। और कुछ श्रेणियों में देखें तो जैसे चोरी में कहते हैं कि 10 में से 1 मुकदमा, और ये वो मुकदमे जो रिपोर्ट हुए, जो रिपोर्ट नहीं हुए उनके पता नहीं है कि कितने थे। तो ये जो एक परंपरा डाली है और ये विश्वास दिलाने की कोशिश की है कि राजस्थान प्रदेश का प्रत्येक नागरिक या यहां किसी काम से आने वाला व्यक्ति निर्भय होकर निर्बाध एफआईआर पंजीकरण के लिए थाने को अप्रोच कर सकता है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि मौजूदा कांग्रेस सरकार लोगों को न्याय नहीं दिला पा रही है। रेप और गैंगरेप बढ़ने के मामलों में सरकार बदलने पर तेजी आई है। दोषी पकड़े नहीं जा रहे हैं और उन्हें सजा भी नहीं मिल पा रही है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि दुष्कर्म के कई मामले झूठे भी निकलते हैं। झूठे मामलों में आरोप लगाने वाले पक्ष पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। राजस्थान पुलिस सक्रिय है और ऐसे कई प्रकरणों का पर्दाफाश भी किया है। कानून में वक्त के साथ संशोधन भी होना चाहिए। सरकार चलाने का कोई मकसद उनका दिखने वाला कि जिस तरह यह ख्याल आया सरकार कानून व्यवस्था हो, चाहे कोई व्यवस्था हो, चाहे किसान समस्या में, चाहे कोई भी महीनों की सहायता से पूरी तरह से कांग्रेस सरकार विफल है। और कोई भी इस तरह के ना तो पकड़े जा रहे हैं, दोषी है ना पकड़ रहे ना उनके सहयोग। जिस तरह हमारी बीजेपी सरकार ने जो ये तय किया उस पर भी कोई काम नहीं हो रहा। हमने 9 आदमियों को फांसी भी होती है उस टाइम में। आज ये कांग्रेस का मुख्यमंत्री गहलोत जी बात तो लंबी लंबी करते हैं, चाहे कोई पायलट साहब हो, तो निश्चित रूप से आज कोई भी ये नहीं कह सकता हम सुरक्षित है। आए दिन चैन के तोड़ने का काम हो, कोई भी काम हो, आज आए दिन घटनाएं बढ़ रही है। संवेदनशील मामले हैं और इस मामले में जो पीड़िता है वह शारीरिक और मानसिक कष्ट से गुजरती है,
और ये हमारा मानना है कि मामला चाहे कोई भी हो, एक बार उसकी जांच तो होती है। कई बार कई मामले झूठे निकलते हैं, जैसे खानोटा का एक मामला आया था आगरा रोड का, उसमें पूरा मामला झूठा निकला, पुलिस ने भागदौड़ भी करी, पूरा अनुसंधान किया। तो ऐसे मामलों में हमारा यही मामला न्यायालय से ये निवेदन है कि तो झूठे मामलों में जो पीड़ित पक्ष है या जो महिला है जो झूठे मामले सामने रखती है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और क्योंकि अनुसंधान तो पुरुषों को करना ही पड़ता है, उनको ये भी पता है मामला सच्चा है झूठा है, वो जब पूरा अनुसंधान करते हैं कार्रवाई करते हैं तब तथ्य सामने आते हैं। रेप के मामले काफी संवेदनशील होते हैं, इसमें राजनीति ना करते हुए और राज्य के लोगों का ध्यान रखते हुए सरकार और पुलिस को ऐसे मामले काफी समझदारी से हल करने चाहिए, नहीं तो कई रेप पीड़िताएं न्याय की आस में दर दर भटकने को मजबूर होंगी, तो कई निर्दोष लोग अपने दामन पर दाग लिए जेल की सलाखों के पीछे घुटते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। तब सवाल ये बना हुआ है कि रेप के जो तमाम मामले दर्ज किए जाते हैं, क्या उनमें कुछ ऐसे भी मामले होते हैं जो झूठे होते हैं? क्या कुछ लोग दूसरों पर दबाव बनाने के लिए या फिर रकम ऐंठने के लिए या फिर दूसरे के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए भी रेप के मामले दर्ज करवाए जाते हैं? और ये बड़ा सवाल है क्योंकि कानून कुछ ऐसे बने हैं कि एक तरफ तो जो सच में रेप पीड़ित होते हैं, जो लड़कियां नाबालिग होती हैं या जो बालिग भी होती हैं जिनके साथ इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जाता है, वो सालों साल दर बदर भटकती रहती हैं लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिल पाता। तो ऐसे में क्या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन कानूनों का फायदा उठा पाते हैं? हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं और इस बुलेटिन पर हम चर्चा भी करेंगे उनके साथ। शील दाबाई बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनिल गोठवाल पूर्व आईपीएस अफसर जुड़े हुए हैं हमारे साथ, राजन चौधरी जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मानचंद खंडेला विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इन सभी से हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या ऐसे मामले सच में होते हैं और क्या कानून का दुरुपयोग भी किया जाता है। सबसे पहले मैं लेना चाहूंगी राजन चौधरी को जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है। राजन जी, क्या आपको लगता है कि झूठे मामले भी दर्ज कराए जाते हैं और इससे समाज में नाराजगी भी फैल रही है? ये सही है, कुछ लोग राजनीतिक लाभ लेने के लिए या ये कहें अपना आर्थिक लाभ लेने के लिए इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं, लेकिन कानून सही बना है। अब कानून का दुरुपयोग लोग करते हैं, उसको रोकने की जरूरत है। जी, अनिल गोठवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, आप क्योंकि पूर्व आईपीएस अफसर रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि आपके कार्यकाल में भी इस तरह के मामले आपके सामने आए जिनको आपने अपने विवेक से सुलझाने की कोशिश की? देखिये, जहां तक दहेज से संबंधित मामले हैं, ये पारिवारिक मामले हैं, इसके अंदर कई बार जो डिमांड की जाती है दहेज वगैरह की, तो उसके अंदर ये सामने आता है कि परिवार को वापस बातचीत करके उनको अगर बैठा के समझाया जाए तो वो सुन सकते हैं। लेकिन आर्थिक रूप से जो अभी हनी ट्रैप के मामले कुछ सामने आए हैं, जिसके अंदर की कुछ वुमेन्स मुकदमा पंजीबद्ध कराती है और उसके बाद ट्रायल के दौरान पैसे की डिमांड करती है, तो ऐसे कुछ केसेस रिपोर्टेड हुए हैं और उसके अंदर एक तरह से उल्टा इन्वेस्टिगेशन करके और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। हमें ये देखना है कि सारे मामले झूठे नहीं हो सकते, कुछ में जहां कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं जो व्यक्ति, जो महिलाएं या जो उसकी गैंग बना के इस तरह का पैसा लूटने का एक माहौल पैदा किया जा रहा है, उसको बैक करने की जरूरत है। उसको आवश्यकता है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के कुछ क्लोज निगरानी, कुछ क्लोज सुपरविजन के मामलों में ऐसे झूठे हैं उनके खिलाफ 182-211 का न्यायालय में इस तरह से रिपोर्ट की किया जा सके। मेरा मानना है कि सारे मामलों में ये नहीं किया गया है कि जो एविडेंस एक्ट के अंदर है, बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज साइड में है। कई मामलों में तो गवाह के आधार के ऊपर ही न्यायालय अपना निर्णय सुनाता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि कुछ केसेस के अंदर, जैसे गैंग रेप में है, रेप में है, इन मामलों में बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज साइड पे होता है, तो उन्हें थोड़ा सा दुष्कर होता है कि भाई मैं कैसे बचूं, लेकिन वो गवाह है इसलिए वो डिफॉल्टर हो सकता है। मान लो जैसे एक महिला है गुड़गांव से साथ चली, वहां माउंट आबू चली गई, वहां घूमने चले गए, दो व्यक्ति थे और उन्होंने वापस आके जयपुर के अंदर एक
कहा कि मेरे को इस होटल के अंदर दो व्यक्तियों ने दुष्कर्म किया, तो ऐसा केसेस प्राइमा फेसी दिखता है कि जब ये 15 दिन से साथ घूम रहे हैं, तो मैं क्लोज सुपरविजन करके उसमें निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सच्चाई क्या है, कहीं ये इस तरह का हनी ट्रैप का या किसी को पैसे के खातिर तंग करने का मामला तो नहीं है। मैं ये मानता हूं कि ऐसे मामलों में क्लोज सुपरविजन डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारियों से किया जाए तो सच्चाई निकल सकती है, बाकी सभी मामलों को अपन झूठे मान ले तो ऐसा नहीं होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। मानसिंह खंडेला जी, आपको क्या लगता है ये जो तमाम झूठे केसेस दर्ज कराए जाते हैं ये क्यों कराए जाते हैं और कितने परसेंटेज होते होंगे इन झूठे केसेस के? देखिए मैं कुछ कानून की बात बता रहा हूं क्योंकि मैं कानून का विद्यार्थी रहा हूं। इवन जो विवाहित महिला है उसकी भी बिना सहमति के अगर संभव की प्रतिक्रिया की जाती है तो वास्तव बलात्कार माना जाता है। तो सवाल यह आ रहा है कि आप 10 दिन से साथ थे या 20 दिन से साथ थे, आपकी सहमति थी, हां सहमति है, लेकिन आपकी बिना सहमति के दबाव डालकर या जबरदस्ती करके सहमति की प्रक्रिया हो जाने के बाद में भी करते हैं, एक करते हैं दो करते हैं, तो निश्चित रूप से बलात्कार है। एक बात तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये सारी बातें हमको अजीब क्यों लग रही है, क्योंकि आज तक हम जो है पुरुष सत्ता वाले समाज में रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सब महिला ये क्या बोल रही है। सवाल यह रहा है कि पुरुष जो करते आ रहे थे वो अगर उनमें से 2-4% महिलाएं करने लग गई हैं तो अदरवाइज आप क्यों ले रहे हैं? सवाल यह आ रहा है कि जबरदस्ती कोई कर रहा है इसका मतलब नहीं कर सकता। और बात यह आ रहा है कि देखिए, और मैं सोशियोलॉजी का भी विद्यार्थी रहा हूं क्योंकि उसमें मैंने एमए किया, मैं पढ़ा रही है और मैंने गुणा रही है, करीब करीब 70 से लेकर 75% जो केसेज है वो बलात्कार के वो संबंधियों के द्वारा, जानकार लोगों के द्वारा या जो पड़ोस आस पड़ोस के लोग हैं उनके द्वारा किया जाता है। अब सवाल यह आ रहा है कि ये जो चीजें हैं इसका मतलब क्या हुआ कि वहां तो है ही है। अब कई बार क्या, अब आप बताइए 6 महीने 3 महीने 3 साल 6 साल, अब इसके बारे में क्या? अब मैं यहां पर आपसे बात करना चाह रहा हूं। देखिये सवाल यह है कि ये ऐसे केसेस क्यों बढ़ते जा रहे हैं? इसमें बहुत सारे आर्थिक कारण है, मानसिक कारण है, मनोवैज्ञानिक कारण है, और उनमें सबसे बड़ा जो कारण है, दो कारण है मेरे हिसाब से। एक ये कि बेरोजगारी इंतहा है उसकी, और दूसरी क्या है कि हमारा खर्चा युवाओं का जो है वो विभिन्न कारणों से, अगर आप कहें तो कारण गिरा देंगे, हम सब जानते हैं उनका खर्चा बढ़ता जा रहा है। अब ऐसा जो कुछ होता है ना, और तीसरी बात क्या है कि आपका जो सोशल मीडिया है वो इतना ज्यादा एप्रोचेबल हो गया है, किसी से भी कभी भी आप जो ना वार्तालाप कर सकते हैं या उसको प्रभावित कर सकते हैं या इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या इम्प्रेस कर सकते हैं। और ये सब बातें जब क्या होती है, अब कई बार अभी 2 दिन पहले आया जब ये फेसबुक पर फ्रेंड थे, उसके बाद में विदेश से महिला आई, उसके बाद उसके साथ में ऐसा बात हुआ। अब आप बताइए विदेश से महिला यहां पर आई, उसके साथ में ऐसा किया, तो आप तो नहीं कर सकते ऐसा। अब इसके बाद मैं कह रहा हूं, एक आगे जाके कह रहा, ये बिल्कुल सही कह रहे सर कि जो कुछ है वो पैसा कमाने के हिसाब से भी कई गैंग बना रखी है। हाँ बिल्कुल गैंग बना रखी है, उन पर वास्तव में सब प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखिए अभी आपने कहा कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो वास्तव में पुरुष के ऊपर होता है, हर मामले में नहीं होता। अगर मान लो आप गैंग रेप की बात करेंगे तो उसमें नहीं होता, या मान लो अगर आप जबरदस्ती करेंगे और या दया दबदाकर करेंगे या डाकू पर मान लो कोई करता है तो ऐसा नहीं होता। तो सवाल है कि आप सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छा काम कर दिया कि प्राइमरली अगर आप समझते हैं तो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और जब इन्वेस्टिगेशन होता है और वास्तव में वस्तुनिष्ठ भाव से होता है तो बहुत सारी बातें सामने आ जाती हैं। और देखिए सवाल यह आ रहा है कि महिला अपने अधिकारों का दुरुपयोग करती है और पुरुष हजारों साल से करता आ रहा है, इसमें जो है वास्तव में द्वंद है अब कि महिला अपने अधिकार का उपयोग क्यों करती है। और इसलिए हम जो है बलात्कार की घटनाओं को अब आप कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन के लिए सरकार ने प्रोत्साहन दे दिया, लेकिन ये प्रोत्साहन देने बाद जो सवाल आ रहा है, सरकार को यह ध्यान देना चाहिए घर में घुसकर बच्ची को उठा के ले गए और उसके बाद में रोड पे डाल दिया 3 लोगों ने। अब ये क्या है कि ख्वाब जो है ना, ख्वाब की बात तो कही कि सम्मान जो है ना वो कानून का नहीं है, और प्रशासन के बारे में किसी प्रकार की चिंता नहीं है, पुलिस मिली भी हो सकती है। और सवाल यह रहा कि आर्थिक जो राजनीति है उसके बारे में आप समझे कि राजनीति में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, कहां हो रहा है, कितना हो रहा है, ये आप अपना समझने को कहने वाली बात नहीं है। तो मैं कह रहा हूं ग्लेबर हो रहा है, ये आर्टिफिशियल ग्लेबर, पहले तो वास्तविक जीवन जिया करते थे, आजकल हम वास्तव में आर्टिफिशियल जीवन जीते हैं। तो आर्टिफिशियलिटी से प्रभावित होकर भी ये सारी बातें हो रही हैं। आपने दोस्ती कर ली,
दोस्ती बहुत अच्छी चीज, बहुत बड़ी बात है दोस्ती कर ली, महिला और पुरुष को कोई बात नहीं है। मैं तो व्यक्तिगत तौर पर भी हर एक को फर्क मानता हूं, महिला पुरुष का कोई मतलब ही नहीं है। अब उसमें अगर कोई निर्गम पक्ष है या मान लो प्रभावित करने वाला पक्ष है और उनमें किसी प्रकार की बात हो जाती है तो निर्भरता का हाथ नहीं उठा सकते। आर्ग्यूमेंट कर रहे कि साहब ऐसा था सात थे वो थे, ये नहीं होगा। सवाल यह है कि हरेक का जो मूल अधिकार है वो अपनी जगह पर है और उसके बारे में आप कोई प्रश्न खड़ा नहीं कर सकते। अब इस संदर्भ में एक अंतिम बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि सवाल यह है कि अभी मान लो 6 महीने या 5 महीने जो भी आते हैं उसके बाद राजस्थान में भी ज्यादा नजर आ रहे हैं और अभी आपने आखिरी भी बताया तो ज्यादा नजर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वास्तव में पुलिस प्रशासन प्रशासन या शासन ये अन्य से बातों में लगे हुए हैं और जहां पर उनको खौफ की बात होनी चाहिए या वो भी बात होनी चाहिए वो नहीं होती है। और ये बात तो हम जानते ही जानते हैं भारत में कि न्यायपालिका बहुत ही विलंबित है, न्यायपालिका को भी प्रभावित किया जा सकता है। अब मैं सुशील जी का रुख करना चाहूंगी। सुशील जी आपको क्या लगता है, आप क्योंकि एक महिला हैं और इस तरीके से महिलाओं को लेकर रेप और छेड़छाड़ की आए दिन खबरें आती रहती है, किसी को भी बुरा लगेगा लेकिन झूठी रिपोर्टिंग की जा रही है। जब ये खबर आती है तो ये सच में एक सोचने वाली बात बन जाती है क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां जिनमें सच में जिनके साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं, जिन पीड़िताओं के साथ, उन्हें न्याय नहीं मिलता। तो क्या लोग ये भी हिम्मत करेंगे कि झूठी रिपोर्टिंग करें इस मामले को लेकर? देखिए, जब वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री थी तो कांग्रेस के लोग चिल्ला चिल्ला कर बाहर निकल निकल कर आंदोलन कर करके कहते थे कि महिला मुख्यमंत्री है, उनके टाइम में इतने बलात्कार हो रहे, उत्पीड़न हो रहे, शोषण हो रहे, हर प्रकार के आरोप लगाते थे कि कानून व्यवस्था चौपट हो गई है। लेकिन आप देखिए कि कांग्रेस की सरकार आने के बाद में जिस तरह से बड़े बड़े आरोप लगाए थे उसके उल्टा ही आप देखिए कि इतने बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, सामूहिक दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं, बालिकाओं को उठाकर ले जा रहे हैं। और अनिल जी की बीजेपी की गवर्नमेंट थी तब नहीं होते थे? नहीं, इतना नहीं था। देखिए, एक कानून व्यवस्था थी, इतना लोगों में यदि अध्यक्ष की भी बात हो सकती है ना सुशील जी, हो सकता है कि आपके वक्त में मामले ही दर्ज न किए जाते रहे हो। अब तो अजय मनोज जी ने कहा है कि सारी एफआईआर दर्ज की जाएंगी, स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं एफआईआर दर्ज करवाने के लिए। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण अभी रिसेंट दे देती हूँ कि अलवर में जिस तरह से एक युवती के साथ में सामूहिक दुष्कर्म हुआ, वो चक्कर लगाती रही थाने से थाने पर रिपोर्ट करने के लिए, लेकिन गहलोत सरकार जो चुनाव में डूबी हुई थी एक वोटों की खातिर उस महिला की एफआईआर दर्ज नहीं की। और बाद ही ये उन्होंने डिसीजन लिया है कि अब एसपी लेवल पर भी वहां पर भी जाकर के हेडक्वार्टर में भी जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है अगर थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है। तो इस घटना के बाद ही डिसीजन लिया गया है। मैंने देखिए, डिसीजन लेना या फाइलों में ऑर्डर निकालना सिर्फ उससे काम नहीं चल रहा, उसके बावजूद भी आप देखिए कि रोज आ रहा है कि छोटी बच्चों को उठाकर ले जा रहे हैं। अब तो महिला घर में भी सुरक्षित नहीं है, घर से उठाकर ले जा रहे हैं। और सबसे बड़ा जो दुष्प्रभाव जो आ रहा है, अब वो वीडियो बना रहे हैं और उसको वायरल कर रहे हैं। तो ये मैं कहती हूँ कि एक महिलाओं के साथ तो ये एक तरह से सीमा पार करती ही दिखाई दे रही है। सुरक्षित महिला कहीं अपने आप को महसूस कर ही नहीं पा रही है। और यहां तक बार बार इस बात को कह रही हूँ कि सिर्फ आदेश देने से कुछ नहीं होता। जब तक पुलिस का भय जनता में नहीं होगा, कानून का भय जनता में नहीं होगा, अपराधी जब तक अपराध करने से डरेगा नहीं, तब तक मैं समस्ती के दुष्कर्म के मामले तक जल्दी से रुक पाएंगे। हमारी सरकार ने बहुत 3 दिन में 15 दिन 18 दिन में हमने फांसी की सजा भी सुनाई, लेकिन अभी आप देख लीजिए कि 6 महीने होने को आ रहे सरकार को, मुझे नहीं लगता कि ये कहीं किसी मामले में फांसी की सजा हुई हो। और भय नाम की चीज तो मैं समझती हूँ कि बिल्कुल ही समाप्त हो चुकी है। अब समय ऐसा आ गया है, मैं समझती हूँ कि जो न्यायालय से भी ये भी रिक्वेस्ट कर। अच्छा सुशील जी, आप कह रही है कि बीजेपी ने बहुत जल्दी इन प्रकरणों में कार्रवाई की, तुरंत सजा दिलवाई, फांसी की भी सजा दिलवाई है। अगर ये सारे मामले रहे हैं तो आप बताइए कि आपके जो बीजेपी विधायक थे उत्तर प्रदेश में कुलदीप सिंह सेंगर, उनकी रिपोर्ट दर्ज करने के लिए, एफआईआर दर्ज करने के लिए पीड़िता महीनों तक घूमती रही? नहीं, देखिए, उन्होंने स्पष्ट, वो तो सामने आके कह रहे थे कि मैं चैलेंज कराऊं, आप मुझे प्रूफ तो दीजिए।
उनके कोई सबूत ही नहीं दे पाए और भारतीय कानून ये कानून सबके बारे में सब मतलब व्यक्ति हमेशा इसी बात को बता मैं नहीं बोलता मेरे साथ ऐसा हुआ FIR दर्ज करिए लेकिन सामने वाला जो ना प्रभावी है या जो उद्दंड है या सामाजिक है या MLA है में तो FIR ही दर्ज नहीं की गई थी बहुत वक्त तक हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे और बात करेंगे कि आखिर झूठी रिपोर्टिंग क्यों की जा रही है रेप की और क्या इस तरह की झूठी रिपोर्ट बदला लेने के लिए भी लोग दर्ज करवाते हैं बच्चों में छोटा सा ब्रेक चल वापस आते हैं ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि क्या रेप के जो तमाम मामले दर्ज किए जाते हैं उसमें कुछ परसेंटेज उन मामलों की भी होती है जिनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता और ये दूसरों को परेशान करने के लिए या फिर धन उगाही करने के लिए किए जाते हैं। आज गेस्ट हमारे साथ मौजूद है और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे शील जी से हम बात कर रहे थे। शील जी आप कुछ बता रही थी अपने मामले के बारे में कि क्या हुआ था उस केस में और क्यों नहीं FIR दर्ज की गई थी। नहीं देखिए कि जिस वक्त कि आप मुझे सबूत लाकर दीजिए सबूतों के अभाव में आप देखते हैं कि कोर्ट हो चाहे थाना हो ये सबूत बहुत जरूरी है। इन्वेस्टिगेशन के बाद होता है आमी है मतलब शिकायत के बाद अपराध क्यों नहीं पड़ेगी दर्ज नहीं की गई थी। जब मीडिया में बात आ रहा है जब चीजें उछली है तब दबाव उनके ऊपर बहुत मजबूरी में उन्होंने FIR दर्ज की है बाद में। नहीं देखिए राजनीति में अक्सर ऐसा होता है कि लोग झूठे भी आरोप लगा देते हैं तो इन्वेस्टिगेशन के बाद होगी ना ये इन्वेस्टिगेशन पुलिस करेगी तो पॉलिटिकल पार्टी नहीं करेगी ये कह रहता हूँ। नहीं नहीं मैं ये कह रही हूँ कि पॉलिटिक्स में झूठे आरोप प्रत्यारोप याद कह देंगी कि मामला गलत है हम FIR दर्ज नहीं करेंगे ऐसा तो कोई रूल नहीं है। बीजेपी ने ऐसा अलग से रूल बनाया है कि पहले इन्वेस्टिगेशन करेंगे उसके बाद FIR दर्ज करेंगे। नहीं हो सकता है जान के बात तो इसलिए हुई है टाइम ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं वो अगर हम अलवर मामले की बात करें तो कुछ दिनों का वक्त लगा था लेकिन उन्नाव वाले मामले में बहुत महीनों लग गए थे FIR दर्ज करने में और उस बीच में पीड़िता के पिता को भी मार दिया गया कस्टडी में। नहीं देखिए मैं मानती हूँ कि अगर डिले हुआ जब सच्चाई सामने आई तो रश हो गया कानून सबके बराबर अल्टीमेटली तो वह पकड़ा ही जाएगा। इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी सपोर्ट नहीं करती इस तरीके से किसी बलात्कारी को तो चाहे विधायक हो चाहे वो सांसद हो उससे क्या फर्क पड़ता है तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए था बल्कि आपको लोगों को खुद आगे आकर के कि ये हमारे हमारी पार्टी का ये बनना है तो उसे तुरंत निष्कासित करना चाहिए था पार्टी से बजाय इसके कि आप उसे बचा रहे हैं। नहीं देखिए भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी ऐसे आरोपियों को या दुष्कर्मियों को या किसी भी आरोप लगे हो उनको कभी भी नहीं बचाया है। उनको यहाँ तक कि मुख्यमंत्रियों को भी हटाया है ऐसे कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी हो उस पर हमेशा कार्रवाई की है। ठीक है ठीक है यूपी है तो आप बताइए किस किस मामले में कार्रवाई की गई है। देखिए यूपी में एक हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने मायावती के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया उस पर तुरंत उसको हटा दिया उसके बाद कुछ दिनों बाद वापस न्यून समय में लेकिन टाइम होता है जितने टाइम के लिए निश्चित किए उसके बाद तो लेना ही था ना। विकट मानसिकता के लोग किसी की भी सरकार हो हर टाइम घटनाएं होती रहती है सरकार से कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि विकट मानसिकता के लोग हैं वो इस तरह की घटनाएं करते ही रहते हैं। ये जरूर पिछले कुछ समय में हम पिछले 4-5 साल में एक बड़ा परिवर्तन आया है कि
महिलाएं या बच्चियों के साथ भी इस तरह की घटनाएं हुई है तो वो रिपोर्टिंग होने लग गई है, लोग वो मुखर होकर कहने लगे हैं। और पिछले एक साल में आप देखेंगे तो मीडिया में अब जितनी रिपोर्टिंग मीडिया कर रहा है उससे भी एक मैसेज जा रहा है, जागरूकता आ रही है। बहुत सी ऐसी लड़कियां जिनके साथ घर में या अभिभावक या और कोई किसी प्रकार की यही तो बड़ी बात है कि मीडिया में मामला आता है, सामने आता है, जब जनता को पता चलता है तब उन पर दबाव बनता है, तब जाके एफ आई आर दर्ज होती है। क्योंकि कई मामलों में एफ आई आर ही दर्ज ना हो कई मामलों में। मैं इसको दूसरे परिपेक्ष में बता रहा हूँ आपको कि आज आप देखिए, आज के इन दिनों में आपने ऐसी घटनाएं भी देखी होंगी मीडिया के कारण जिनके बाप ने बेटी का यौन शोषण किया है और वो बेटियां बता रही है। ये मीडिया में खबरें आई उसके बाद उन बेटियों में भी एक अंदर से ये भाव जगा कि मैं किसी को जाके बताऊंगी तो शायद मेरे साथ ये जो गलत हो रहा है उसका मैं निराकरण कर पाऊंगी। ये घटनाएं इसलिए भी ज्यादा आ रही हैं कि 1098 पे शिकायत आ रही है, मीडिया के पास शिकायत जा रही है, जिनको वो अपने अभिभावक समझती है उसको जाके ये घटनाएं बता रही है। ये एक पॉजिटिव रूप में भी देखा जा सकता है। और दूसरा जो आप कह रहे थे कि अभी वर्तमान में जो हनी ट्रैपिंग की बात हो रही है, इस कानून का मिसयूज हो रहा है, अच्छी चीज यदि होती है उसके साथ साथ कई बार ऐसे लोग भी इसी समाज में रहते हैं जो तो उनका किस तरह से लाभ लिया जा सकता है, वो काम करते हैं, वो महिला हो या पुरुष हो। अब महिलाओं के लिए कानून बना तो कुछ महिलाएं ऐसी भी आई हैं और वो इस तरह के कानून का दुरुपयोग कर रही हैं। उनके लिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन यदि उसे करके करें तो कुछ जगह हुआ भी है कि इस तरह की घटनाएं हुई है तो उन पर कानूनी कार्रवाई हुई है और ये हनी ट्रैपिंग के केस बढ़ते जा रहे हैं। देखिए मैं एक बात कहना चाह रहा हूं संदर्भ में जी, ऐसे केस बढ़ते जा रहे हैं मैं मानता हूं, लेकिन केवल अपमान स्वरूप जो केस है उसको जनरलाइज नहीं कर सकते आप। जो जनरलाइज तो ये कि हाँ महिलाओं के साथ में ऐसा होता है और महिलाओं को अधिकार मिला है, जागरूकता बढ़ी है, एफआईआर ज्यादा दर्ज हो रही है और एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। अब सवाल ये आ रहा है कि यहां पे हो क्या रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि भाई अभी 4 दिन पहले मीडिया में आया एक सगे भाई ने अपनी 2 बहनों के साथ। अब आप बताइए ये जो कुछ है वो कानून का डर नहीं है, कानून का खौफ की बात नहीं है। बात यह है कि उनका जो वातावरण है वहां, वो कच्ची बस्ती में रहने वाले थे और वहां का जो वातावरण वो क्या देखते हैं बच्चे, यही देखते हैं। सर कच्ची बस्ती में नहीं, अभी पिछले दिनों में 2 केस ऐसे आए हैं जिनमें बाप ने बेटियों के साथ वो बहुत अच्छे समाज में रह रहे हैं, घर में कैमरे लगा रखे हैं। जी आप किसी को वो पढ़ा लिखा नहीं है या वो कच्ची बस्ती में रहता है इस वजह से उसने ऐसी हरकत की, ये कहना गलत होगा। क्योंकि कई बार बहुत पॉश सोसाइटी में रहने वाले बहुत पढ़े लिखे लोग इससे भी वारदातों को अंजाम दे। ये कह रहा हूँ पिछले दिनों में एक अराउंड वातावरण है 45 वर्ष, आपने कहा ना कि अच्छे लोग, मैं कह रहा हूँ उनसे बड़ा निकस लोग दूसरे हैं। हाँ, एक 45 वर्षीय एक बाप को पकड़ा है पिछले दिनों में, जो एमए किया हुआ है, पीजी किया हुआ है, वो अपनी बेटी के साथ रेप करता था। मैं अनिल जी से सवाल लेना चाहूंगी। अनिल जी, इस तरह के मामले सामने आते हैं और जैसे कि मानचंद जी कह रहे हैं कि कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिसमें ये मामले झूठे भी होते हैं, तो पुलिस का क्या रोल होता है और कैसे आप पता लगाते हैं अपने विवेक के आधार पर कि कौन से मामले सही हैं और कौन से मामले झूठे हो सकते हैं और हनी ट्रैपिंग के या पैसे उगाही के लिए इस तरह के मामले दर्ज कराए जा रहे हैं, तो कैसे आप पता लगाने की कोशिश करते हैं इन मामलों को? देखो रूरल बेल्ट के अंदर जब ये छोटे इलेक्शन हो, पंच के, सरपंच के, प्रधान के, ये लोकल बॉडीज के इलेक्शन आए, उस समय में मैंने पाया है कि कुछ महिलाओं को तैयार किया जाता है, महिला नहीं होती है, महिलाओं को तैयार किया जाता है कि आप इसके ऊपर ये एलिगेशन लगा दो, एफआईआर दर्ज करा दो, इसका कहीं पर्चा खारिज हो जाए या इसको वोट नहीं मिले। तो ऐसे मामले एक आध दो रूरल बेल्ट के अंदर हर इलेक्शन के दौरान सामने आते हैं और वो उसके ऊपर दुष्कर्म का हो, छेड़छाड़ का हो या जो भी इस तरह के रेप का मामला दर्ज होते हैं और वो प्राइमा फेसी हमारे को ये लग जाता है कि ये इलेक्शन के ड्यूरिंग इस तरह से किया है, ये इनके साथ लव एंड रिलेशंस में पिछले 20 साल से रह रही है, 15 साल से रह रही है, वाइफ है, वाइफ के अलावा और कोई दूसरी उनके फ्रेंड है वो रह रही है, उसके द्वारा दर्ज कराया जा रहा है। तो ये प्राइमा फेसी समझ में आ जाता है कि ये इस तरह के मामले, राजस्थान के एक विधायक के है रूरल बेल्ट के अंदर, तो ये प्राइम ऑफ ऐसी समझ में आता है कि ये इस तरह से इसको कहीं ना कहीं सर्वोच्च मैं एक बार आपके सामने रख रहा हूँ जी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उसकी पूर्व जो कर्मचारी थी उसके साथ में उसने ऐसा किया वैसा किया और उस पूर्व कर्मचारी ने 22 न्यायाधीशों को पत्र लिखा। अब मुझे बताइए क्या है ये,
ये कोई बात है जो प्रेरित करके करवाया जाता है इसका आशंका है। मैं नहीं कह रहा हूं क्या है, क्योंकि सर्व उसके दूसरी बात क्या हुई, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने क्या कहा, कानून मेरे पर लागू नहीं होता, मैं अपनी तरफ से कमेटी बनाऊंगा और अपनी तरफ से आजाद हो जाऊंगा। अब जब ये इस तरह की बात मीडिया में आती है जो कि आती है, तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है कि जो आप जो माइक है जिसके पास ताकत है, चाहे वो राजनीति ताकत है, पैसे की ताकत है, भुजबल की ताकत है, न्यूज़ देने की ताकत है, उसको कुछ भी परमिट करने का अधिकार है समाज में। अब मुझे बताओ ऐसे उदाहरण कैसे होंगे, 22 को लेटर कैसा लिखा जाएगा, इनके जो सोच है चिंतन है उसमें परिवर्तन आया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो सरकार से ज्यादा जो अपने आप को ताकतवर समझते हैं उनके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती, और जो जिसको हम कहते हैं कि कम सुरक्षा वाले हैं या कम सहायता कर सकने वाले हैं, कम सक्षम लोग हैं, कम सूचनापूर्ण लोग हैं, उनके बारे में आप कुछ भी कर देते हैं। अब मैं ये दूसरी बात आपसे कहना चाह रहा हूं, न्यायाधीशों के बारे में इस प्रकार के और भी केसेज हुए, उनका क्या हुआ? तो सवाल है कि आप पॉलिटिशियन को आप क्या कह रहे हैं कि आप उसको प्रेशर मानिए और न्यायाधीश को प्रेशर क्यों नहीं मानते हैं? अब सवाल वाला क्या मसूरी भारत अगर सोचेंगे तब तो ये सारी समस्याओं का निदान होगा, नहीं तो नहीं। अब मैं आपसे एक दो बातें कहना चाह रहा हूं कि सवाल यह है ये सब हो क्यों रहा है। देखिए ये सब हो रहा है मानसिक विकृति के कारण, मनोवैज्ञानिक रूप से आप जो है स्वीकार नहीं कर पा रहे कुछ व्यक्तियों कुछ चीजों को समाज में, उसके कारण कमी के कारण और दिखावा बढ़ जाने के कारण मिलने की स्वच्छता जो है ज्यादा हो गई है, बिल्कुल होनी चाहिए, मैं इसको स्वीकार करता हूं कि होना चाहिए, लेकिन इसका दुरुपयोग वाली बात है कि दुरुपयोग जो है वो तो कानून का उल्लंघन है, और दुरुपयोग एक्ट करता है जब उसके बारे में आर्ग्यूमेंट करते हैं हम, और जब वाई करता है जब कहते पकड़ के लिया उसको, कोई पुलिस कहती पकड़ के लिया, और पकड़ के लाने के बाद पुलिस भी क्या करती है ये भी हम देख रहे हैं मीडिया में। तो सवाल जी जैसे कि मानचंद जी कह रहे हैं कि किसी पर कार्रवाई होती है किसी पर नहीं होती है, तो इसका क्या कारण निकल कर आता है सामने? देखिए ये सही है कि कई बार लोग अपने पावर का प्रयोग करते हैं और पावर का प्रयोग करके उन पे कार्रवाई नहीं भी होती है या कम होती है, लेकिन अधिकतर मामलों में जब मीडिया का प्रेशर भी बनता है तो कार्रवाई भी होती है, और पुलिस बहुत से ऐसे केस हैं, अब ये देखने का नजरिया भी, पुलिस बहुत से केसों में अच्छे ढंग से कार्रवाई करती है, वो शायद कहीं ज्यादा प्रकाशित नहीं हो पाते हैं, और कुछ केसों में जिनकी के खिलाफ या जो पावर है अब कार्रवाई वो ज्यादा मीडिया में हाईलाइट हो जाते हैं इसलिए हमें वो दिखाई देते हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत से केस हैं जिनमें गलत कार्रवाई हुई है और पुलिस ने बाकायदा उनके साथ न्याय किया है, ऐसे भी बहुत से केस हैं। ठीक है ठीक है जी, अनिल जी बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा था देखो एक तो ये सोशल मीडिया ने जागरूकता बहुत पैदा की है, पिछले दिनों मी टू कैंपेन चला, आप ये देखिए कि कई पुराने केसेस को निकाला गया उसका भी उदाहरण हमारे सामने है, और उसके साथ साथ मैं एक मानता हूं कि सोशल मीडिया के अंदर आप जैसे जो टीवी के माध्यम से लोगों में एक अवेयरनेस जन चेतना जागृत हुई है, लोगों में अब ये गुड टच बैड टच बच्चे बच्चियों को बताया जाने लगा है, और मैं दूसरा एक और मैं पुलिस की कोई तारीफ नहीं कर रहा लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं कि पिछले ज्यादा हुआ है, जो पहले दर्ज नहीं होते थे वो अब दर्ज होने लगे, उसका भी एक अवेयरनेस जो आई है। मैं अब आपको एक और कह रहा हूं, अभी गंगानगर का एक मामला है, एक फादर ने अपनी बच्ची से बलात्कार किया और उसको पुलिस ने गिरफ्तार करके बंद कर दिया, वहां डेढ़ महीने से एजिटेशन कर रहा है कि पुलिस ने इसको गलत तरीके से, अरे भाई आपकी बेटी ने बयान दिए आपका ये हुआ, तो कुछ एजिटेशन का सामना भी करना पड़ता है, ऐसा नहीं है सच्चाई को सामने लाने के लिए कुछ पुलिस के ऊपर दबाव भी आते हैं, डेढ़ महीने पूरे बार एसोसिएशन ने उसका न्यायालय का बहिष्कार किया, तो इस प्रकार की घटनाएं भी होती है हतोत्साहित करने के लिए, लेकिन फिर भी पुलिस कार्रवाई कर रही है। मेरा ये मानना है कि पंजीकरण बढ़ा है रजिस्ट्रेशन बढ़ा है, जो पहले मामले दर्ज नहीं होते थे वो अब दर्ज होने लगे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के कारण हो, वो आपके मीडिया के कारण हो, चाहे लोगों में अवेयरनेस हो, चाहे मी टू कैंपेन हो या गुड टच बैड टच। अनिल बात की, इसका जवाब हम शील जी से ले लेते हैं। शील जी, मी टू कैंपेन चला तो आपको लगता है कि वो कैंपेन सही था, या फिर जिन जिन लोगों पर
आरोप लगाए गए उनका सही ढंग से जांच भी हुई उन आरोपों की? नहीं, देखिए ये बहुत ही एक नई पहल है और मैं समझती हूँ कि महिलाओं ने आगे आकर एक हिम्मत दिखाई है, क्योंकि अक्सर ये हो रहा है कि जितनी भी सर्विसेज में है या फिल्म इंडस्ट्री है या बिजनेस है, हर जगह ऐसा होता है कि महिलाओं का शोषण होता है। आप छोटे से स्कूल में भी देख लीजिए या किसी भी ऑफिस में देख लीजिए, महिला कह नहीं पाती, इवन अपने घर में अपने हस्बैंड से नहीं कह पाती, उनको लगता है सामाजिक में मेरी क्या इज्जत रह पाएगी, तो वो खून का घूंट पी करके आंसू पी कर वो करती है। लेकिन एक ये कॉन्फिडेंस है यार, इसके पीछे सोशल मीडिया निश्चित तौर पर उसकी बहुत बड़ी भागीदारी रही है, और जब कॉन्फिडेंस के पीछे सोशल मीडिया भी है, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे अखबार में हमारी बात जाएगी नहीं, थाने में हमारी लिखी जाएगी नहीं, लेकिन अगर फेसबुक या व्हाट्सएप पर डाल देते तो पूरे हिन्दुस्तान मतलब बात पहुंचती है, दुनिया में पहुंचती है, और कई मामलों में तो ऐसा हुआ है कि सोशल मीडिया के द्वारा ही पूरा हिंदुस्तान की जनता बाहर निकल कर आ गई है, तो न्याय मिला है। और मैं सोचती हूं कि जिन जिन पर जो आरोप लगे हैं उन पर कार्रवाई भी हुई है, और एक मतलब लोगों में भय पैदा करने का भी एक तरह से ये साधन मिला है। और सबसे बड़ी बात है कि महिलाएं जो कॉन्फिडेंस डेवलप जो हुआ है, ये निश्चित तौर पर एक नई दिशा में जाएगा, और जो पुरुष मानसिकता है उस पर कहीं ना कहीं कुठाराघात ये निश्चित तौर पर करने वाला है। दूसरी बात मैं ये कह रही हूँ कि कई बार ऐसा होता है सोशल मीडिया पर भी बहुत बातें होती हैं, कई बार ऐसी झूठी भ्रमित बातें फैला भी जाती हैं, और जिस तरह से कहना चाहिए कि जो कुछ भी वो ऐसी लैंग्वेज या कुछ ऐसा डाल देते हैं जो छोटी उम्र के बच्चे हैं या जो विकृत मानसिकता वाले लोग हैं उन पर इफेक्ट डालते हैं, तो मैं समझती हूँ अब समय ऐसा भी आने वाला है कि फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर भी कंट्रोल करने की आवश्यकता है। क्योंकि रखा है कि मीटू जो कैंपेन था वो बहुत अच्छा था और महिलाओं को उनकी बात रखने का एक प्लेटफॉर्म था, उनके मुखर होने के लिए अच्छा था, लेकिन मीटू कैंपेन ने कहीं ना कहीं बीजेपी की छवि को भी धक्का पहुंचाया है, क्योंकि एमजे अकबर का नाम भी मीटू कैंपेन में आ गया था। नहीं देखिए, इसमें सिर्फ महिला की बात हम कर रहे हैं, पार्टी पॉलिटिक्स से हटकर मैं बात कर रही हूँ। कोई भी पुरुष हो अगर मैं इस तरह का व्यवहार करता तो निश्चित तौर पर वो जनता के सामने आना चाहिए, इसमें पार्टी या कोई। देखिए मैं इस संदर्भ में एक कानून की बात बताना चाह रहा हूँ जी। कानून वास्तव में ऐसा बना हुआ है, अगर आपने 7 सेकंड से ज्यादा किसी महिला को स्थिर कर लिया तब भी आप आरोपित हो सकते हैं। तो ये जब मैं यहां दूसरी बात मैं कह रहा हूं, अब मैं विदेश की बात कर रहा हूं, मैं जापान गया और वहां पर मैंने जो है ना कि 80-90 साल की जो औरतों को बिल्कुल लिपस्टिक पहुंचे उनका अधिकार है, मैं उसको अप्रिशिएट कर रहा हूं, हैट लगा रखा और बैठे हुए हैं। अब हमारी ऐसी मानसिकता के लोग जो है वो वहां पर जाते हैं, तो जो वहां के जापानी जो फ्रेंड है वो आपसे कहते हैं प्लीज डियर डोंट डू दिस, मतलब हमारे क्या क्या है वहां पर, यह सोशल डिसिप्लिन है। ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद हम फिर से वापस आएंगे और बात करेंगे कि क्या कानून का फायदा कोई उठा रहा है, कोई झूठी रिपोर्टिंग भी कर रहा है रेप के मामलों को लेकर के। बुलेटिन में एक छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है, और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि क्या कानून का फायदा कोई उठा रहा है और क्या इनका फायदा उठाकर व्यक्तिगत अधिकारों का हनन भी किया जा रहा है। हमारे गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार उनसे उनका फिर से रुख कर लेते हैं। मैं अब रुख करना चाहूंगी हमारे सामाजिक कार्यकर्ता जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका। राजन जी, क्या आपको लगता है कि इन सब मामलों में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्हें पक्ष और विपक्ष और जैसा कि प्रधानमंत्री भी कह रहे थे कि निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए, तो क्या निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए, और अगर किसी पार्टी के किसी पॉलिटिशियन या फिर किसी ऐसे रसूख वाले के खिलाफ इस तरह के मामले दर्ज किए जाते हैं तो निष्पक्षता के साथ उनकी जांच की जानी चाहिए? चलिए, कुछ टेक्निकल दिक्कत की वजह से आवाज हमें राजन जी की नहीं मिल पा रही है, हम फिर से गेस्ट का रुख करेंगे, फिर से उनसे बात करने की कोशिश करेंगे।
तो हम फिलहाल बात कर रहे थे इन तमाम केसों की, रेप के खिलाफ जो तमाम केस दर्ज कराए जाते हैं, और बड़ी बात यह है कि अब काफी सारी परसेंटेज ऐसे केसेस की भी आने लगी है जिनमें मामले झूठे पाए जाते हैं या फिर किसी रंजिश के लिए या धन उगाही करने के लिए या इस तरह के कामों के लिए रेप की वारदातें को रजिस्टर कराया जाता है, झूठी रिपोर्टिंग की जाती है। हमारे मेहमान एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजन जी, आप क्या कह रहे थे, हम आपको सुन नहीं पाए थे, एक बार फिर से आप अपनी बात दोहराइए। इसमें किसी भी पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो या अन्य किसी पार्टी का हो जी, कोई अफसर हो या कोई नेता हो, सबके ऊपर यदि किसी प्रकार का आरोप लगता है, FIR समय पर दर्ज होनी चाहिए, किसी प्रकार की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए और सही जांच होकर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन राजन जी, ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि रसूख वाले लोग नहीं, वो नहीं पाता है, ये हम भी मान रहे हैं, लेकिन ऐसा हो भी रहा है। यदि कहीं किसी के साथ गलत हुआ है तो उन्होंने संघर्ष करके, आप अनेक ऐसे उदाहरण देख सकते हैं जो ऐसी स्थितियां बनी है कि पावरफुल लोगों के केस लेट दर्ज हुआ लेकिन उस पर कार्रवाई हुई है। अब वो हो सकता है कि कौन कब चेपता है, लेट ही चेपे लेकिन कार्रवाई हो रही है, सेम वही स्थिति। यदि अब जितने भी गलत FIR दर्ज हुए हैं या जो हनी ट्रैप के मामले हैं वो भी मुखर होकर सामने आने लगे। पहले लोग ये मानते थे कि मेरी इज्जत चली जाएगी या मैं किसी को बताऊंगा तो पता नहीं मेरा क्या हो जाएगा। अब वो लोग भी बाकायदा बोल के कह रहे हैं, बाकायदा पुलिस में जाके ये कह रहे हैं कि जी मेरे साथ गलत हुआ और मेरे इस तरह की मुझे ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है। ये सही है, कानून का दुरुपयोग करने वाले भी इसी समुदाय के लोग हैं जो ये मानते हैं कि एक यदि बहुत अच्छे पैसे वाला है, बहुत बड़ा डिग्निटी है तो मैं उससे किस तरह आर्थिक लाभ ले सकती हूँ, तो वो कानून का दुरुपयोग करने वाले भी यही इसी समाज के लोग हैं, लेकिन उनको भी रोकने की जरूरत है। और वो केस हुए हैं, उन पर कार्रवाई भी हुई है, यहाँ राजस्थान में भी अनेक केस सामने हैं, लोग मीडिया में भी जाके ये बात करें प्लस पुलिस में भी जाके ये बात करें और शायद संभवतः उनको कोर्ट में भी उसमें न्याय मिलेगा। ठीक है जी, हमारे साथ अनिल जी जुड़े हुए हैं। अनिल जी, जैसे कि आप थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया के बारे में बात कर रहे थे, सोशल मीडिया पर भी इस तरह के मामले बहुत बड़े हैं। सोशल मीडिया पर कई बार लड़कियों के आपत्तिजनक फोटोज पोस्ट कर दिए जाते हैं, उन्हें धमकी दी जाती है, इस तरह की वीडियोज वायरल कर दिए जाते हैं। कई बार तो ऐसे भी केसेस देखने को मिले हैं जहां किसी एक्ट्रेस को या किसी लड़की को सीधे सीधे सोशल मीडिया पर रेप की धमकी दी गई है, और क्योंकि साइबर सेल भी होती है पुलिस के पास, तो वो किस तरीके से इस तरह के लोगों से निपटती है? देखिए, हर राजस्थान के, मैं जहां तक आपको बात बताता हूं, यहां कमिश्नरेट पुलिस में एक व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, उसके अंदर जो ही सूचना मिलती है जो ही वो तो स्वयं संज्ञान लेके और उनसे कांटेक्ट करती है पुलिस, अफसर उनको एक उनका ग्रुप लीडर बना रखा है ताकि वो उनके पास जाके उनसे बातचीत करके और उसको संज्ञान में लेके और FIR पंजीबद्ध होने लगी है। अब दूसरा, जहां छेड़छाड़ की घटना है, दुष्कर्म की घटना है, वहां आइडेंटिफाई करके वहां पर पुलिस की पेट्रोलिंग या इस तरह की लगाए जाने का कार्य पूर्व से चल रहा है और अभी भी स्कूलों में आसपास कॉलेजेस के आसपास इस तरह की घटनाएं हैं, तो सौ मोटो उसका संज्ञान लेके FIR पंजीकृत की सोशल मीडिया का एक सिस्टम डेवलप हो गया। हर जिलों में, हर थानों से, हर सर्किल पे, हर बीट कांस्टेबल से वो जुड़ा हुआ है। उसके अंदर कम्युनिटी लाइजेंट ग्रुप के जो CLG ग्रुप के सदस्य हैं वो भी जुड़े हुए हैं, वो भी अगर सूचना देते हैं तो वो उसकी सूचना वहां पहुंच के और पंजीबद्ध कराते हैं। ये एक यहां पर सिस्टम डेवलप हो गया है, मेरा ऐसा मानना है। 100% मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन काफी कुछ हद तक इसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। मेरा ये मानना है कि जैसे थ्रेटनिंग दी जाती है तो कई दफे सोशल मीडिया पे कोई पागल सा मन विकृति वाला व्यक्ति है, कोई इस तरह का है, तो उसको भी आइडेंटिफाई किया जाता है कि उसका नंबर उसी समय उसके नंबरों पे पता करते हैं, एड्रेस पे पता करते हैं, वहां स्थानीय पुलिस को वहां भेज के और पता कराते हैं कि भाई ये सोशल मीडिया पे धमकी दी है, तो वो कोई ऐसा फेक नंबर होता है या कोई मानसिक विकृति वाला व्यक्ति सामने आता है, ऐसे केसेज भी आए हैं। सर, एक मैं इसी संदर्भ में आपसे कहना चाह रहा हूं बात, आप हाईवे जाइए और हाईवे पर जो आप कह रहे हैं ना कि दुरुपयोग कानून का करने है, दुरुपयोग कानून को करने वाले पर्सन कुरान घूम रहे हैं और पुलिस भी वहीं बैठी रहती है, चार पीसी उनके साथ में और उनको प्रोत्साहित करती है। एक बात, दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं, कुछ
जाति तो मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन वर्ग भी नहीं कहना, जो कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रोफेशनली अपनी फैमिली को विकृति को ले आते हैं और वहां पर पिताजी बैठे रहते हैं, भाई बैठे रहते हैं। अब इस प्रकार की जो मनोवृत्तियां हैं या विकृतियां हैं या जो रूढ़ियां जो भी आप चाहे उसको हैमरिंग क्यों नहीं करती सरकार, सवाल उसको संरक्षण क्यों दिया जाता है? आगे भी कर जाए कभी भी आप कहीं पर चले जाइए। और अब तो सोशल मीडिया में खूब आने लगा इस तरह की बात कि हाँ साहब वहां पे रोड पे ऐसा हो रहा। अभी कुछ समय के बाद में अपने जयपुर के 20 किलोमीटर पर इस प्रकार की बात आई वहां पे, लेकिन कोई पकड़ने वाला नहीं है। सवाल क्या है कि ये जो विक्टिम करने वाले हैं, कानून का दुरुपयोग करने वाले हैं, वो कानूनी जो जिनके अधिकार है उनके साथ मिलकर करते हैं। देखिए पहले तो मैं अब आपकी बात का जवाब देता हूं, पहले ऐसी ट्रेडिशनल कास्ट हुआ करती थी, वो इसका प्रोस्टिट्यूशन का धंधा था, वो अब धीरे धीरे काफी चेंज हो गया है। अब तो आप देखो 5 स्टार के अंदर अभी आपने कल, मैं आज अखबार पढ़ रहा था, बच्ची कह रही है कि मेरी कल शादी है, आपने पुलिस ने मेरे को पकड़ लिया, मेरी तो कल शादी होने वाली है। इस तरह की लड़कियों का भी एक गैंग है और बाहर के यहां से, यहां जयपुर ही नहीं, 5 स्टार में, 3 स्टार में, 2 स्टार होटल्स में बुलाया जाता है। एक इस तरह का एक वो जो ये सारा सब कुछ इस पैसे का आर्थिक शादी करने वाली भी गैंग है। हाँ शादी करने वाली गैंग के अलावा मैं तो अखबार में पढ़ा यूपी के अंदर कल ही की बात है कि उसकी कल शादी होने वाली है, वो कौन गर्ल के रूप में होटल में पकड़ी गई। अब आप देखिए इसका इसका क्या, पढ़े लिखे लोग भी इस तरह के कह रहे हैं, कोई रोड के ऊपर या पढ़े लिखे नहीं है, मैं ये कह रहा हूं इसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। ऐसे जो स्पॉट्स हैं वो आइडेंटिफाइड हैं और अब उनको इस समाज के अंदर समाज जो सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट है वो भी इनको मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश कर रहा है और वो उनको लाता है, हम उनको नोटेट कराते हैं वहां पर, अब एनजीओ जाके उनको इस तरह के इस प्रोस्टिट्यूशन के काम से हटाकर नए काम में लगाने के लिए। मेयर प्रोस्टिट्यूट भी हो गए हैं, ये भी आप देखिए, ये भी अपन देख रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, ये सब अलग मुद्दा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि सरकार कार्रवाई कितने बेहतर ढंग से करती है। और एक सवाल मैं शील जी से लेना चाहूंगी। शील जी, अभी सोशल साइट्स और इन सारी चीजों की बात हो रही थी, अनुराग कश्यप फिल्म डायरेक्टर आप शायद उनको जानती होंगी, वो कई बार प्रधानमंत्री के खिलाफ मुखर होकर लिखते हैं, बहुत सारी बातों पर अपने विचार वो रखते रहते हैं। कई सारे बीजेपी के फॉलोअर्स उनकी बेटी को रेप करने का आरोप लगाते हैं, सोशल मीडिया में कहा, सीएम के अगेंस्ट में कहा है कि साहब मेरे को बारे में भगवान दिया और मेरे को आपसे मेरे से मिलने का इनकार कर रहे हैं, ये सीएम के बारे में कहा सोशल मीडिया में आया। नहीं देखिए, पहले भी कहा सोशल मीडिया का भी दुरुपयोग हो रहा है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगी, मैं देखिए मैं दूसरी बात कहने जा रही हूँ कि जब तक कानून का भय लोगों में नहीं होगा तब तक ये मानसिक विकृति वाले या और जो इस तरह की सोच रहे। लेकिन शील जी, मैं ये सवाल पूछूंगी, बीजेपी के फॉलोअर्स थे और वो बीजेपी के फॉलोअर्स हो कि इस तरीके की धमकी देते हैं, किसी की बेटी को रेप करने की धमकी देते हैं सोशल मीडिया पर, उसमें क्या स्टैंड है? नहीं देखिए, बिल्कुल कोई भी हो उसके खिलाफ निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं दूसरी बात जो कहने जा रही थी, देखिए आप अमेरिका जैसे देश में जहां पर कि वहां के एक स्टेट ने कानून लागू किया कि अगर दुष्कर्म करने वाले लोगों को नपुंसक बना दिया जाए, एक कठोर कानून, अगर इस तरह का कठोर कानून भारत में भी लागू हो जाए, जैसे विदेश है कि आप ये चाहेंगे कि अगर किसी ने गलत बोला या गलत किया तो उस पर भी कार्रवाई हो? नहीं, हमें ज्ञान का रूप भी पढ़ने दिया है ना, अमेरिका के 50 स्टेट्स में कौन से जवाब देने दीजिए उनका जवाब लेने दीजिए ना प्लीज। नहीं देखिए, कोई भी अगर मिस यूज करता तो उसके निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए ठीक है, शील जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे प्रोग्राम हमारे साथ जुड़ी हुई थी, अनिल गोठवाल पूर्व आईपीएस अफसर हमारे साथ जुड़े हुए थे, राजन चौधरी सामाजिक कार्यकर्ता और मंचन खंडेला जी विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात कर रहे थे रेप और छेड़छाड़ के फर्जी मामलों की, जिनमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है, हैरान करते हैं ये फर्जी मामले, झूठे केसों का पता लगाना ऐसे में काफी मुश्किल होता है। लेकिन आखिर कैसे इन झूठे केसों का पता लगाए, क्योंकि ये पुलिस के लिए भी एक बड़ा चैलेंज होता है।
है और उन लोगों के लिए भी बड़ा चैलेंज होता है जिन पर ये झूठे मामले दर्ज कराए जाते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि ऐसे में जो लोग सच में जिनके मामले सच होते हैं, जो रेप विक्टिम होते हैं, उनके लिए भी न्याय पाना एक बड़ा चैलेंज बना रहता है। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए समाचार प्रेस के साथ।